हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा बनाने को कहा है कि इनके में दो फील्ड होनी चाहिए टेबल में, ऑटो आईडी होनी चाहिए और मैथ्स और गुजराती, ये दो सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर ऑटो आईडी में जो भी आप चाहे रोल नंबर रख सकते हैं या जो कुछ भी, तो यहाँ ऑटो आईडी तो खुद से ही जनरेट होगी। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, ऐसे करके चलेंगे। तो पहले सब्जेक्ट का नाम सपोज कीजिए मैं लिख लेता हूँ गुजराती, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मैथ्स, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने मैथ्स और इन लीजिए और यहां से इसको भी नंबर बना लीजिए। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू इसमें जीरो रख लेता हूं मैं, जो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है उसको जीरो रख लीजिए आप, ये रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इसमें कुछ भी एंटर ना करें तो बाय डिफॉल्ट जीरो ले लीजिए। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहां से यस कर दीजिए, तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो आ रहा है, ठीक है। टोटल हम कहां करेंगे, टोटल हम जाके करेंगे फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, इसी फॉर्म डिजाइन में हम टोटल करेंगे और यहीं पर हम टोटल कैलकुलेशन का काम यहीं पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एग्जिस्टिंग फील्ड को ऐड करता हूं। तो यहां पर रोल नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, गुजराती चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब यहां पे मैथ्स, तो ये मैथ्स भी ले लिया हमने और यहां पर आ गया है, तो इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे और इसको भी छोटा ही रखेंगे हम, ओके, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, यहां से विड्थ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहा है। अब हमको टोटल जो करना है ना, इनका टोटल यहाँ नीचे करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, दिक्कत क्या है, यहां से टेक्स्ट बॉक्स बना लिया हमने। एक स्टूडेंट का टोटल मैथ्स और गुजराती मिलाकर के यहां पे करेंगे हम, यहां से प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे और ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट थ्री इसको हटा देंगे, इसके जगह हम कर लेते हैं टोटल, ओके, टोटल कर लिया, ये हो गया। और यहां पर अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स, यहां पर टेक्स्ट थ्री आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं टोटल, तो यहां से कर लिया हमने टोटल, ओके, दोनों को टोटल कर लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है, अगर आप कुछ और भी इसमें निकालना चाहते हो ग्रेड वगैरह, तो वो सब कुछ आप यहां से इजिली कर सकते हैं, फिलहाल आपने तो यहीं तक बोला है करने को, तो यहां तक रख लीजिए। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट, ठीक है, ये देखिए यहां पर रखा हमने और इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे परसेंट, क्या लिखेंगे, परसेंट लिख दिया। और इसी तरह से हम अनबाउंड जो ये है इस पे जाएंगे बॉक्स पे और यहां पर भी परसेंट ही कर देंगे ताकि यहां पर भी परसेंट लिखा हुआ आए, ठीक है, तो ये परसेंट कर दिया हमने। अब यहां पर देखेंगे तो यहां परसेंट लिखा हुआ आएगा, ठीक है, फॉर्मेट हम कर देंगे परसेंट, तो यहां से देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है इसको भी परसेंट बना दीजिए, तो जो भी आप यहां परसेंट में लिखेंगे वो परसेंट में ही आएगा। यहां पर आपको सिर्फ एंटर करना है परसेंट, आपको साइन परसेंट का नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये हो गया। इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहां से व्यू पे क्लिक कर सकते हैं हम, तो देख पाएंगे कि ये किस तरह का व्यू आ रहा है, ठीक है, ये हमारा रोल नंबर है, तो रोल नंबर तो ऑटो नंबर हमने रखा है। अब मान लीजिए गुजराती सब्जेक्ट में इन्हें मिले 70 मार्क्स और यहां मैथ्स में मिले 55 मार्क्स, इनका रोल नंबर वन है और यहां पर 60 मार्क्स मिले रोल नंबर टू वाले को और 55 मार्क्स मिले गुजराती में, सेव कर दिया। फॉर्म पर आते हैं हम अपने, तो यहां पर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा इसको देख लेते हैं। दो चीजें ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि अभी आपने कहा है सिर्फ एक ही चीज के बारे में कहा था, तो मैं फिलहाल मैं दो चीज कैलकुलेट कर रहा हूं। अब यहां से कंट्रोल सोर्स पे चले जाइए, आ गए, ध्यान रखिए कि अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स जो है ये अनबाउंड, इसको सिलेक्ट रखिए आप, ठीक है, आपको ये टोटल वाला नहीं सिलेक्ट करना, आपको अनबाउंड ही सिलेक्ट रखना है और यहां से थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाइए, गुजराती पहला सब्जेक्ट ले लिया, प्लस का निशान लगाइए और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स भी ले लीजिए, ओके प्रेस कीजिए। अब यहां पर परसेंट की बात आएगी, तो परसेंट की बात आएगी तो हमको सिर्फ यहां परसेंट लिखना है और परसेंट लिखने के बाद हमें वो चीजें पता चल जाएंगी, तो यहां पर हमें सिर्फ परसेंट ही एंटर करना है, ठीक है, ये हम खुद से एंटर करेंगे। तो अब अमाउंट कितना आएगा वो हम टेक्स्ट बॉक्स बना करके कैलकुलेट करेंगे, तो यहां एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं, ले लिया,
यहां पे लिखता हूं मैं अमाउंट, ठीक है, ऑफ परसेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे अमाउंट ऑफ परसेंट दिखेगा और यहां पे देख सकते हैं ये अमाउंट ऑफ परसेंट है और यहां पर भी अमाउंट ऑफ परसेंट ही आपको लिखना है। तो यहां पर जो टेक्स्ट 7 दिख रहा है यहां पर लिखिए अमाउंट ऑफ परसेंट, लिख दिया। अब आपको यहां पर बाहर क्लिक करना है, यहां पर देख सकते हैं ये अमाउंट लिखा हुआ आ गया है। अब यहां पे इसको थोड़ा सा और विड्थ बढ़ा लेता हूं, ये हमने विड्थ बढ़ा लिया। और अब अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाता हूं और यहां से कंट्रोल सोर्स पे आएंगे और यहां से थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ठीक है। हम किसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल के बेस पे। तो इसमें देखिए टोटल आपको मिल जाएगा, टोटल ले लीजिए, ले लिया। इनटू आपको सिर्फ इनटू लगा करके क्या करना है, परसेंट भी इसमें मिल जाएगा आपको, तो परसेंट लगा लीजिए, ठीक है। अब ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आप चाहते हैं अगर टाइटल ऐड करना तो यहां से टाइटल पर क्लिक कीजिए, यहां पे आप टाइटल भी ऐड कर पाएंगे और इसको यहां से सेंटर में अलाइन कर देते हैं। और इस पूरे जो हमने बनाया है ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टाइटल के लिए बनाया हमने, इसमें हम क्या करेंगे, कलर फिल कर देंगे। तो कोई सा भी कलर हम फिल कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, वो कलर यहां से हम फिल कर देंगे। जैसे ये रेड कलर हमने फिल कर दिया है और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे को बना देंगे व्हाइट, यहां से व्हाइट बना देते हैं। तो ये इस तरीके से दिखेगा। और ये जो फॉन्ट की स्टाइल है ये बहुत ज्यादा बोल्ड में नहीं है, तो यहां से जो बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रॉकवेल, ये जो एक्स्ट्रा बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है ये ज्यादा बोल्ड में है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। और यहां पर इसका भी कलर हम चेंज कर देंगे, हल्का कलर ये लगा दिया हमने। अब यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं अभी यहां पे परसेंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहां पर अगर जैसे ही हम 5 लिखते हैं तो यहां परसेंट आ जाएगा और यहां पर अमाउंट ऑफ परसेंटेज भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये परसेंट का अमाउंट भी कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। अब यहां पे न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है हमें, ये देखिए दूसरा तीसरा चौथा सबका आ गया। अब यहां पे न्यू रिकॉर्ड अगर एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए गुजराती में 70 मार्क्स और यहां पे मैथ्स में 65 मार्क्स, ओके, तो यहां पे देख सकते हैं अपने आप परसेंटेज आ गया। अब यहां पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं फॉर्म, जो नाम दे दिया हमने और इसको सेव कर दिया। अब इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बहुत ही इजिली। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और हम कर लेते हैं, यहां इसको रखते हैं और यहां पर हम चले जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा ये, तो इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं पूरा, सेलेक्ट किया। अब हमको इस पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ना लाइन कलर, इस पे क्लिक कर दीजिए आप, बस आपका काम हो गया है। अब जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा और जैसे ही आप न्यू रिकॉर्ड एंटर करना चाहेंगे तो यहां से न्यू रिकॉर्ड भी एंटर कर पाएंगे। यहां पे न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए दे रहा है, आप चाहे तो परसेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।